लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ चैन वु फैमिली के मेन गेट पे पहुंच चुका था और अब गेट की ओर देखते हुए साओ चैन कहता है कि मेरे ख्याल से वो लोग जानते हैं कि हम लोग आने वाले हैं। ब्लैकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो दरवाजा तोड़ के एंट्री मारते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तीन लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर साओ चैन कहता है कि अच्छा तो इनमें से दो सुप्रीम है। और वु फैमिली का हेड कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ही साओ चैन हो जिसने पहले बाय फैमिली को भी डिस्ट्रॉय किया है और अब तुम मेरे वु फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो। जिस पर साओ चैन कहता है कि एग्जैक्टली तुम्हें बिल्कुल पक्की न्यूज मिली है। और अब ये सुनने के बाद वो फैमिली का हेड कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, तो क्या तुम मुझे वो रीजन बता सकते हो ताकि हम बिना फाइट के इस मैटर को सॉल्व कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वो फैमिली से कुछ चाहिए। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी साओ चैन से पूछता है कि साओ चैन क्या तुम इस आदमी को पहले से जानते हो। जिस पर साओ चैन कहता है कि पता नहीं। और अब वो फैमिली का हेड कहता है कि हम लोग एट मेजर फैमिलीज में से एक है और अभी मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी फैमिली को हार्म करे, इसीलिए वो फैमिली जानना चाहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तब साओ चैन कहता है कि मेरी बस दो रिक्वायरमेंट है, पहला मुझे थैंक्सिन वाटर चाहिए। और अब ये सुनते ही वो फैमिली का हेड कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्सिन वाटर नहीं दे सकता और अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें ये वाटर टाइटन्स को बचाने के लिए चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे पास भी थैंक्सिन वाटर नहीं है। जिस पर साओ चैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तो तुम्हारे लिए मेरे सेकंड रिक्वायरमेंट को पूरा करना कंपलसरी हो गया है और इसे तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। जिस पर वो फैमिली का हेड कहता है कि मैं सेकंड रिक्वायरमेंट को सुनना चाहता हूँ। तब अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए साओ चैन कहता है कि सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि तुम सब मेरे आगे सबमिट करो। और अब ये सुनते ही वो फैमिली का हेड बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और फिर ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह तुमने उस बाय फैमिली को खत्म कर दिया उस तरह तुम अकेले आके वो फैमिली को भी खत्म कर दोगे। और तभी हम देखते हैं कि साओ चैन के चारों ओर एक फॉर्मेशन बन जाता है जो कि साओ चैन को चारों तरफ से किसी ट्रैप की तरह घेर लेता है। और अब वो फैमिली का हेड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के इकलौते सर्वशक्तिमान हो, लेकिन अब जरा तुम अपने चारों तरफ ध्यान से देखो। इस फॉर्मेशन को आज से करीब 100 साल पहले वो फैमिली के सुप्रीम्स ने डिस्कवर किया था और इस फॉर्मेशन की खास बात ये कि ये पूरी तरीके से अनब्रेकेबल है और भले यहाँ पे कोई सुप्रीम ही तुम्हें बचाने के लिए क्यों ना आ जाए, लेकिन अब तुम्हारे साथ वही होगा जो मैं चाहूंगा। और अब ये सब सुनने के बाद साओ चैन कहता है कि ओ तो तुम लोगों ने इतना सारा ड्रामा बस इस चीज के लिए किया था। और फिर साओ चैन कहता है कि मुझे लगा था कि वो फैमिली पावरफुल होगी, लेकिन वो फैमिली तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम निकली। और ये कहकर साओ चैन आगे बढ़ता है और फिर वो एक ही पंच में उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है जिसे देखकर इन तीनों की हक्की बक्की बंद हो जाती है। और अब साओ चैन अपने पंच को तानते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि ये फॉर्मेशन कम से कम बाय फैमिली के फॉर्मेशन से तो मजबूत ही होगा, लेकिन तुम लोग तो बाय फैमिली से भी बड़े यूजलेस निकले। और फिर साओ चैन ब्लैकी से कहता है कि मैं उन दोनों सुप्रीम्स को संभालता हूँ, तुम वो फैमिली के हेड को दबोचो। जिस पर ब्लैकी भी अपनी ऑरा को निकालते हुए ऑल राइट कहता है और फिर वो सीधे वो फैमिली के हेड के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर वो फैमिली का हेड भी अपने स्वॉर्ड से उसके फर्स्ट अटैक को रोक लेता है। और अब इधर वो दोनों सुप्रीम भी साओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर साओ चैन के ऊपर अटैक कर भी देते हैं, लेकिन अब तो साओ चैन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो बस अपने ऑरा से ही उन दोनों को पीछे धकेल देता है। और अब साओ चैन की पावर देख के ये दोनों सुप्रीम एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर ये दोनों मिलकर अपनी एक खास टेक्निक को एक्टिव करने लगते हैं जिसकी वजह से ये दो सुप्रीम एक हो जाते हैं, जिसे देखकर साओ चैन कहता है कि अब ये कुछ इंटरेस्टिंग है। और अब ये सुप्रीम कहता है कि साओ चैन ये है हमारा नया अवतार जिसमें हमारे पास एक बॉडी होते हुए भी दो दो सुप्रीम की क्षमताएं हैं जिसकी वजह से हमारी एबिलिटी नॉर्मल सुप्रीम के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए अब तो तुम्हारी मौत हमारे हाथों होगी। और इतना कहते ये सुप्रीम अपने पावरफुल अटैक को साओ चैन की तरफ कर देता है, लेकिन फिर से साओ चैन बस एक ही पंच में उसके उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये सुप्रीम फिर से अपने एक स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि साओ चैन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब ब्लैकी साओ चैन से कहता है कि साओ चैन और तुम्हें कितना लेट लगेगा क्योंकि मैंने तो अपने टारगेट को कब का अपने पैरों के नीचे दबा दिया है। और अब वो फैमिली का हेड कहता है कि तुम दोनों जल्दी कुछ करो, जिसे सुनते ही ये सुप्रीम बहुत ही तेजी से साओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर साओ चैन भी अपने फिस्ट को रेडी कर लेता है और फिर सही टाइमिंग देखते ही साओ चैन उस सुप्रीम के ऊपर अपने स्टार थंडर फिस्ट से अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिसके लगते ही वो सुप्रीम वहीं पे राख बन के उड़ जाता है, जिसे देखकर वो फैमिली का हेड कहता है कि ये तो नामुमकिन है। और अब साओ चैन वो फैमिली के हेड से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तब ये हेड कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, जिसे सुनकर साओ चैन कहता है कि मॉन्स्टर और मैं नहीं, तुम्हारी सोच तो बहुत ही छोटी है, दरअसल मैं मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा डरावना हूँ क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में पूरे 9 रिलम को अपने कदमों में झुकाया था। और अब इतना सुनते ही वो फैमिली का हेड बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हो। अब साओ चैन इस हेड के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। और ये कहकर साओ चैन उसके हेड को क्रश कर देता है, जिसकी वजह से वो फैमिली के हेड की मौत वहीं पे हो जाती है। और फिर साओ चैन उसके पास मौजूद सारे ट्रेजर्स को ले लेता है और फिर ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो अब वो फैमिली में घुमा जाए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओ चैन वो फैमिली में आके बैठा हुआ था और वो फैमिली के सारे लोग साओ चैन को ग्रीट कर रहे थे और इसके साथ ही वो लोग ये भी कह रहे थे कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के लिए हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। तब साओ चैन कहता है कि वेरी गुड, लेकिन अगर किसी ने मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश की तो फिर बाद में मुझे दोष मत देना।
जिस पर सारे लोग वहाँ से जाते हुए जी सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं। और ब्लैकी कहता है कि आज तक हम लोगों ने इतने फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया, बट ये वाला सबसे आसान था। तब शाओशेन कहता है कि किसी भी बैटल को जीतने के लिए मैन पावर से ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और ये चीज हम दोनों में कूट कूट के भरी है। और फिर शाओशेन कहता है कि ब्लैकी चलो अब वो फैमिली के खजाने को लपेटने का टाइम आ चुका है। और अब हम देखते हैं कि शाओशेन वो फैमिली के ट्रेजर वाले रूम में पहुंच जाता है, जहां पर गेट खोलते उसे सामने एक बच्चा दिखाई देता है। और अब इस बच्चे को देखकर शाओशेन थोड़ा हैरान हो जाता है। और अब ब्लैकी कहता है कि शाओशेन इस बच्चे में मुझे कुछ खास बात नजर आ रही है, जिस पर शाओशेन भी उस बच्चे को ध्यान से देखता है। और फिर शाओशेन उस बच्चे से पूछता है कि तुम अभी तक यहां से भागे क्यों नहीं। अब ये बच्चा कहता है कि ना तो मेरे पास कोई फैमिली है और ना ही जीने की कोई वजह, तो भला मैं यहां से क्यों भागूं। और अब ये सुनकर शाओशेन स्माइल करता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर ये लड़का किंग युएन कहता है। और अब इस लड़के का नाम सुन के पता नहीं क्यों शाओशेन थोड़ा शॉक हो जाता है। और अब ब्लैकी कहता है कि क्या हम इसे भाग्य कह सकते हैं। तब शाओशेन कहता है कि डेफिनेटली हम इसे भाग्य कह सकते हैं। और फिर शाओशेन उस लड़के से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम अपनी मर्जी से वो फैमिली के पास आए थे ताकि जब मैं यहाँ पे आऊँ तब तुम मुझसे बदला ले सको, लेकिन भला इतने कमजोर बॉडी के साथ तुम मुझसे बदला कैसे लोगे। तब ये लड़का कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, भले ही मेरे पास तुमसे फाइट करने की उतनी एबिलिटी और स्किल ना हो, लेकिन मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक कि मैं तुम्हें नहीं मार देता या फिर तुम मुझे नहीं मार देते। और अब इस लड़के की बातें सुनकर ब्लैकी कहता है कि शाओशेन इस लड़के में दम तो है, क्योंकि ये लड़का तुम्हारे जैसा ही एरोगेंट है। और अब शाओशेन भी हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब लड़के, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। और फिर शाओशेन कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, और जब तुम्हें लगे कि ये मौका बिल्कुल सही है तुम मुझ पे अटैक करके अपने बदले को पूरा कर सकते हो। और अब ये सुनकर ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर शाओशेन कहता है कि ब्लैकी चलो ट्रेजर वाले रूम में चलते हैं। और अब शाओशेन और वो लड़का ट्रेजर वाले रूम के गेट के पास पहुंच जाता है, जिस पर गेट पे लगे लॉक को देखकर ये लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारे पास चाबी है। तब शाओशेन उस गेट पे एक पंच मारते हुए कहता है कि मुझे कभी चाबी की जरूरत पड़ी ही नहीं। और अब हम देखते हैं कि वो गेट खुल जाता है। और अब शाओशेन जैसे उस रूम में एंटर करता है, सामने के नजारे को देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर किंग युएन की तरह बहुत सारे लड़कों को कैद किया गया था। और अब एक लड़के को पहचानते हुए किंग युएन कहता है कि अदोक तुम यहां हो। और फिर किंग युएन उस लड़के के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी कंडीशन देख के हमें ऐसा लगता है कि उसे किसी ने कंट्रोल किया है। और अब शाओशेन वहां पे मौजूद सारे लड़कों को देखते हुए कहता है कि यहां पर बस वही लड़के कैद है जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। और अब ये सब देखकर किंग युएन हताश होते हुए कहता है कि क्या वो फैमिली बस टैलेंटेड बच्चों को डिसाइपल बना के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तब शाओशेन कहता है कि बच्चे ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा है, और यहां पर बस वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं। और अब शाओशेन की बात सुन के ये लड़का शाओशेन के सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज अदोक को बचा लो। तब शाओशेन उस लड़के के पास जाता है और उसके लाइफ ऑरा को चेक करने लगता है। और फिर शाओशेन कहता है कि इस लड़के की बॉडी से इसका लाइफ ऑरा पूरी तरीके से निकाला जा चुका है। तब किंग युएन कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, और इसके बदले में मेरी लाइफ आपकी हुई। जिस पर शाओशेन कहता है कि ठीक है खड़े हो जाओ। तब किंग युएन पूछता है कि क्या आप प्रॉमिस करते हैं। तब शाओशेन भी यस में सर हिला देता है, जिस पर किंग युएन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अदोक तुम बच गए। और अब शाओशेन अपनी पावर से वहाँ पे मौजूद हर एक लड़के को फ्री कर देता है। और फिर शाओशेन किंग युएन से कहता है कि तुम अपने भाई को संभालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहकर शाओशेन मैन ट्रेजर वाले रूम की तरफ जाने लगता है। और फिर शाओशेन अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है कि लो हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये कहकर शाओशेन बस एक ही पंच में पूरा दीवार ही धसा देता है। और फिर अपने सामने रखे ट्रेजर्स को देखते हुए शाओशेन कहता है कि आज तो हमारी किस्मत हमारे साथ है। और फिर शाओशेन वहां पर रखे एक ट्रेजर को उठाते हुए कहता है कि ये तो डेस्टिनी स्टोन है, जो कि मार्शल आर्ट के टैलेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। लेकिन तभी शाओशेन को उस स्टोन में कुछ अजीब महसूस होता है। और जब शाओशेन उस स्टोन को ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो एक सुप्रीम लाइफ पवेलियन है, जिस पर ब्लैकी कहता है कि शाओशेन ये तो बिल्कुल वेनफी के पवेलियन जैसा लग रहा है। तब शाओशेन कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें वो फैमिली में इतना सब कुछ मिल जाएगा। और फिर शाओशेन कहता है कि अब मेरे ख्याल से मुझे अपनी वेडिंग ड्रेस बनवा ही लेनी चाहिए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।